बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्स किचन में अज असी शरबत बादाम दा बना रहे हैं। बहुत ताकतवर हुंदा है ते गर्मी दा जबरदस्त तोड़ भी है। दिन भर दे रोजे दी कमजोरी नूं दूर करन वास्ते शरबत बादाम दा बहुत जबरदस्त चीज़ है। ते आओ फिर शरबत बनाना शुरू करिए। मैं 250 ग्राम बादाम लैके उन्होंने पानी च भेंके ते छिल के रख लिया सी। ते सब तो पहले असी छिले हुए बादामां नूं ग्राइंड करना है। बादाम नूं किसी बर्तन च पा के ते नाल थोड़ा जिहा पानी पा लो ते इस तरह नूं ग्राइंड कर लो। इस ग्राइंडर नाल ग्राइंड करन दा फायदा यह है कि इहदे नाल बहुत बारीक हो जांदा ते इहनूं पुणन की जरूरत नहीं रहिंदी। बादामां दा पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो गया। हुण असीं कढ़ाई दे विच तकरीबन 600 ग्राम चीनी पा के तुसीं चाशनी बना लैंदे ते नाल 1 लीटर पानी पा लो ते इहनूं 4-5 मिंट इस तरह ही पका लो। अग ज़रा दरम्यान ही रखनी है ते इहनूं हल्का हल्का हिलाई भी जाना है। चाशनी साड़ी तैयार हो गई है ते हुण असीं जिहड़ा बादामां दा पेस्ट बनाया सी उह इहदे विच पा दिंदे हां। तकरीबन कोई 5-7 मिंट इस तरह पका लो। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਝੱਗ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੌਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲਓ। ते साड़ा बादामां दा शरबत जिहड़ा ओह तैयार हो गया। चुल्हे नूं बंद करके थोड़ा जिहा ठंडा होण दिओ ते उस तों बाद किसी बोतल जां जार वगैरह च इहनूं महफूज़ कर लो। इस तरह इहनूं महफूज़ करके रख लो ते इंशाल्लाह 3-4 महीने तक इह खराब नहीं हुंदा। ते जदों शरबत तैयार करना होवे ते इस तरह गलास च थोड़ी जिही बर्फ़ पाओ, थोड़ा जिहा शरबत पा लो ते बाकी पानी शामिल करो ते अच्छी तरह मिक्स कर लो। ते साड़ा बादामां दा शरबत बिल्कुल तैयार हो गया ते उहनूं इदां सर्व करो। जिन्हां दोस्तों ने मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ। वीडियो अच्छी लगी होवे ते लाइक भी कर दिओ ते शेयर भी कर दिओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।